नमस्कार, स्वागत है आपका मधुस गार्डनिंग में। आज की वीडियो में बात करेंगे सर्दियों के बेहद खूबसूरत फूल गुलदाउदी या क्रिसेंथमम के बारे में। इस समय इसका सीजन है और इस समय यह सभी जगह खिल चुकी है। अनेक रंगों और अनेक वैरायटी में गुलदाउदी देखने को मिलती है। एक बार इसके सुंदर सुंदर प्लांट नर्सरी से ले आइए, उसके बाद यह पेरिनियल प्लांट है। अपने समय से अगले सीजन में इसके पौधे ग्रो हो जाएंगे। खूब सारी कटिंग बरसात में लगाते रहेंगे तो नवंबर मेन में फूल आ जाएंगे। दिसंबर का महीना चल रहा है तो इस समय गुलदाउदी में बहार आई हुई है। इसके फूल एक बार खिलने के बाद तब तक पौधे में रहेंगे जब तक हम उन्हें कट ना करें। लगभग 2 महीने तक ऐसे ही बने रहेंगे जब तक हम इन्हें हटाएंगे नहीं। इसमें दूसरी बार फ्लावरिंग नहीं होगी। फिर से फ्लावरिंग लेने के लिए स्पेंट फ्लावर को हटाना बहुत जरूरी है। गुलदाउदी ही नहीं, कोई भी फूल हो, मुरझाने के बाद तुरंत पौधे से हटा दें। अगर हम नहीं हटाते हैं तो फ्लावरिंग कम हो जाएगी, पौधा खराब दिखेगा और फंगस भी लग सकती है। पौधे को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो यह काम बहुत ज्यादा जरूरी है। मुरझाए फूलों को हटाने के बाद हमें अगला काम क्या करना है जिससे इसमें फिर से फूल आ जाए, तो पहले इसकी हल्की गुड़ाई कर लेनी है और फिर उसके बाद उसमें खाद डालनी है। खाद जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध है वो डाल दीजिए। कंपोस्ट सबसे बढ़िया है और चाहें तो कोई लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। मैं जो खाद डाल रही हूँ वो है छाछ। 1 लीटर छाछ में 4-5 लीटर पानी मिला लें। इसे पौधे में डालने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर है तो ज़रूर डालिए, वरना जो खाद आप देते हैं वही दीजिए। मैं अपने सभी फूलों में इस छाछ को डालूँगी। दूसरी बार फ्लावरिंग ज़रूर होगी अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र अच्छे से देंगे। इस समय ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो सभी पौधों को पूरा दिन की धूप में रखिए। गुलदाउदी में बिना धूप के फूल कभी भी नहीं आएंगे। अगर आए तो 1 या 2 फूल ही खिलेंगे। साइज छोटा रहेगा और फूलों में चींटियां बहुत ज़्यादा लगेंगी। पूरी धूप में पौधों को रखिए। वाटरिंग बहुत ही सोच समझ कर करनी है सर्दियों के दिनों में। पौधों के मरने का सबसे बड़ा कारण ओवर वाटरिंग ही होती है। सर्दियों के पौधे नाजुक होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा हुआ तो इनकी रूट्स सड़ जाएंगी। पानी कम मिलेगा तो कोई बात नहीं, पर ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। पानी तभी देना है जब गमलों की थोड़ी मिट्टी ऊपर की सूख जाए। अगर मिट्टी में नमी है तो पानी ना दें। ओवर वाटरिंग हो भी जाए और पौधों को कोई फर्क ना पड़े तो इसके लिए गमलों में कम से कम 4-5 होल जरूर होने चाहिए और मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, सख्त मिट्टी ना हो। इसके लिए आप सोइल में थोड़ी सी बालू मिला लें या धान के छिलके मिला लें और फिर गमलों को भरिए और पौधे लगाइए। आपके पौधे सालों साल चलेंगे। अब बात करते हैं इसमें लगने वाली बीमारियों और इंसेक्ट की। इसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ती हैं और फूल खराब हो जाते हैं। अगर पौधों को कम धूप मिल रही है तो भी इसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करिए। और स्प्रे हमेशा शाम के समय करें या फिर बिल्कुल सुबह सुबह ही कर लें। महीने में 1 या 2 बार ही स्प्रे करनी है, इससे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। जब गुलदाउदी का सीजन खत्म हो जाए, फ्लावरिंग बंद हो जाए और पौधे सूखने लगे तो उन्हें नीचे से काट दें। उसमें फिर से अपने समय से नई ग्रोथ हो जाएगी और अगले सीजन के लिए नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।